मैं फहमीदा, अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे फिश कोरमा, जिसके लिए हमने 1 किलो मछली ले ली है और उसको धो के अच्छे से साफ कर लिया है। और ये आधा चम्मच नमक है और आधी चम्मच काली मिर्च है और ये 200 ग्राम प्याज है जिसको हम ब्राउन कर लेंगे और इसको हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए रख देंगे और ये प्याज ब्राउन कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल गर्म कर लिया है, इसमें प्याज डाल के ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, अभी और ब्राउन कर रहे हैं। ब्राउन हो गया तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर है या तो आधी चम्मच से कम कश्मीरी मिर्च है, ये आधा चम्मच नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, 1 कटोरी दही है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गरम मसाला है, 3 से 4 हरी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, आधा चम्मच जीरा, 4-5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्ची, आधी दही हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम प्याज के साथ पीस लेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लेंगे और ये दही हम मसाले में डाल लेंगे और ये मसाले में हम एक जगह मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फिट गया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको भूनेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा करके इसको पीस लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरी प्याज को निकाल लेंगे, गैस कम कर देंगे और फिर इसी में मछली फ्राई कर लेंगे तब तक हमारी प्याज ठंडी हो जाएगी। हमने मछली में ये रखा था मिला के काली मिर्च और नमक, इसमें मिक्स हो चुका है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे एक साइड से ताकि ये कुरकुरी हो जाए और फिर इसको पलटी करें। फिश हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें इसमें निकाल देंगे। अब हम वो डाल देंगे इसमें और इसी तरह से हम सारी तल के निकाल लेंगे। दो से 3 मिनट एक साइड से सेकेंगे इनको, फिर पलट देंगे। हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट देते हैं, दूसरी साइड से सेक लेंगे। दो से 3 मिनट तक हमने भी दस भी सेक लिया, अब हम इनको निकाल देंगे। और सारी हम इसी तरह से निकाल लेंगे, बस सारी इसी तरह से तल के निकाल लेंगे। हमारी ठंडी हो चुकी है और हम अभी इसको मिक्सी में डाल लेंगे और पीस लेंगे दही के साथ। हमने फ्राई कर ली है और ये मसाला भी हमने पीस लिया है, प्याज दही ब्राउन करके, अब हम मसाला चढ़ा देंगे। चढ़ाएंगे पहले ये तेज पत्ता डाल देंगे और फिर ये गर्म मसाला डाल देंगे। और ये मसाला डाल देंगे मसाला भून लेंगे हम 4-10 मिनट तक। अब हम इसमें ये प्याज और दही जो हमने पीसी है उसको डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसको भी भूनेंगे थोड़ी देर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको, फिर हम इसमें फिश डाल देंगे। 5 मिनट तक हम इसको तेज आँच पर भूनेंगे, ये मसाला अच्छे से भून के पक जाएगा, फिर हम इसमें फिश डाल देंगे। मसाला हमारा भून चुका है, हम इसमें फिश डाल देंगे। देखिए तेल अलग बहुत छोड़ दिया है मसाले में और अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें फिश डाल देंगे।
हमने इसमें डाल दिए हैं, हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे तरी के हिसाब से। आप कम ज़्यादा डाल लें अपने हिसाब से, जैसी आपको तरी रखनी हो। और इसको हल्के हल्के चला देंगे, ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसे पका लिया है, गैस बंद कर दिया है और हम धनिया पत्ता डाल रहे हैं। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तैयार है हमारी फिश, आप भी बनाए ट्राई करें। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।